इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दी विसेरल रिलेशंस ऑफ द स्टमक। सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। चल सबसे पहले देखेंगे, देख विसेरल रिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय विसेरा। देख जो विसेरल रिलेशन है उसमें एक वर्ड है विसेरा। विसेरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स। विसेरा का मतलब होता है ऑर्गन्स। क्या मतलब होता है? इंटरनल ऑर्गन्स मतलब हमारे स्टमक के कॉन्टैक्ट में कौन से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स आएंगे, उनका संबंध, उसको हम कहते हैं विसेरल रिलेशंस। ओके, सो दो एस्पेक्ट पढ़ते हैं। देख दो एस्पेक्ट पढ़ेंगे इस विसेरल रिलेशन के। एक एस्पेक्ट पड़ेगा स्टमक के एंटीरियर सरफेस से। स्टमक के एंटीरियर सरफेस में कुछ तो ऑर्गन्स आएंगे, कुछ तो स्ट्रक्चर्स आएंगे, दैट इज द इंक्लूडेड एज द एंटीरियर सरफेस इन द विसेरल रिलेशन। एंड सेकेंड एस्पेक्ट होगा स्टमक का पोस्टीरियर सरफेस, मतलब स्टमक के पोस्टीरियर सरफेस में कुछ तो रिलेशंस आएंगे, दैट इज द सेकेंड विसेरल रिलेशन। और हम स्टमक के पोस्टीरियर रिलेशंस को हम स्टमक बेड भी बोलते हैं, क्योंकि स्टमक बेड में विराजमान जैसा रहता है उस तरह उसके पोस्टीरियर सर्फेस के रिलेशन में भी विराजमान रहता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज एंटीरियर सर्फेस के रिलेशन। सो देख मैंने कुछ डायग्राम ड्रा की है तेरे लिए बच्ची। सबसे पहले तुझे दिख रहा होगा दैट इज हैविंग अ स्टमक। यस मास्टर, वी हैव अ स्टमक। ओके बच्ची, दिस इज स्टमक। ओके बच्चा, अब देख सबसे पहले ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, दैट इज स्ट्रक्चर विच इज द डायफ्रैगम। डायफ्रैगम ऐसा स्ट्रक्चर विच इज गिव्स एन अ कंप्लीट कवरेज टू द स्टमक। मैं एक डायग्राम भी तुझे 3D एनाटॉमी ऐप की डायग्राम भी तुझे शो करता हूँ कि इस तरह से कि जो स्टमक को कंप्लीट कवरेज देता है तेरा डायफ्रैगम। सो ये है तेरा डायफ्रैगम। ओके बच्चा, सो ये डायफ्रैगम है। अच्छा अब देख डायफ्रागम आ गया। अब स्टमक के आगे के साइड पे सामने लिवर एक स्ट्रक्चर आ जाता। देख ये ऐसा स्टमक है, सो होता है ऐसा है ना, लिवर एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता कुछ इस तरह से। लिवर का मेरे पास लिवर तो नहीं है, आप हाथ से काम चला ले, मतलब इस तरह से लिवर आ जाता। फिर सबसे आगे क्या आ जाता, हमने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पढ़े थे। यस मास्टर, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल वो विशाल ना विशाल आ ही लगता तो चार रहता। हमने देखे सबसे एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक फिर रेक्टस एब्डोमिनिस ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस ऐसे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल थे ना उस तरह से आगे वो आ जाती। पहले लीवर आ जाता। सो देख सबसे पहले तूने देखा कि जो स्टमक है उसके बाहर कवरिंग है तेरी डायफ्रैगम की। फिर यहाँ पे एक लीवर का स्ट्रक्चर आ जाता, लीवर का स्ट्रक्चर डेवलप कुछ इस तरह से लीवर आ गया। देखा कुछ इस तरह से ये लीवर आ गया, ठीक है। मतलब देख कितने स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, ये वाला लीवर। ओके ठीक है, लीवर एक आ गया स्टमक के आगे। ओके स्टमक के आगे क्या क्या है, सबसे पहला तेरा डायफ्रैगम आ गया, फिर उसके बाद लीवर आ गया। यस मास्टर, और फिर आया तेरा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल थर्ड एस्पेक्ट। सबसे बाहर एंटीरियर एब्डोमिनल मतलब स्टमक के एंटीरियर सरफेस के रिलेशन में तीन स्ट्रक्चर्स आ गए। यस मास्टर, एक स्ट्रक्चर रिलेट करेगा तेरा डायफ्रैगम। ओके, एरिया रिलेटेड टू डायफ्रैगम इतना सारा। सेकंड एस्पेक्ट ये जो है ना, दिस इज द लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, ये दिख रहा तेरे को? हाँ, ये ना लिवर का लेफ्ट लोब है, आ गया लेफ्ट लोब ऑफ लिवर आ गया, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर आ गया। हाँ, लिवर का लेफ्ट लोब आ गया। और फिर बचा कुचा एरिया जो है इतना, दैट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल शिम्पक मार्शक। यस बच्चों, सो तीन स्ट्रक्चर एंटीरियर सर्फेस के रिलेशन में आ गए। कौन से यहाँ पे हम लिख डालते हैं। सबसे तेरा डायफ्रैगम आ गया, दैट इज द एरिया रिलेटेड टू डायफ्रैगम। सेकेंड एस्पेक्ट तेरा लेफ्ट लोब ऑफ लिवर आ गया। मास्टर, हमको लेफ्ट लोब ऑफ लीवर भी मिलता, मतलब उधर भेटा उधर मिला। और थर्ड एस्पेक्ट में बचा कुचा रीजन ऑफ द स्टमक इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ योर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, बिकॉज़ वो सबसे बाहर के रहते ना। सो दैट इज द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल सबसे बाहर का एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, मतलब तीन स्ट्रक्चर आ गए वो हमने लिख दिए। ओके बच्चे, अब देख ये जो है ना, दिस इज अवर डायफ्रैगम। डायफ्रैगम के नीचे स्टमक
का रीजन दैट इज अ कार्डियक बॉडी फंडस वगैरह. लेकिन डायफ्रागम जो होता है ना उसके ऊपर तेरा लंग्स प्रेजेंट रहता है, लंग्स और पेरिकार्डियम रहता है. इसलिए ये जो डायफ्रागम है दैट सेपरेट्स योर स्टमक फ्रॉम द पेरिकार्डियम एंड द प्लूरा. प्लूरा इज अ कवरिंग ऑफ द लंग्स ना, यहाँ पे लंग्स आएंगे. सो लेफ्ट प्लूरा का, क्योंकि ये रीजन को सेपरेट करेगा लेफ्ट प्लूरा एंड यहाँ पे थोरैसिक कैविटी में तेरा पेरिकार्डियम, क्योंकि हार्ट की कवरिंग पेरिकार्डियम. सो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर को सेपरेट करेगा. सो योर फर्स्ट इज योर पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम को सेपरेट करेगा दैट डायफ्रागम. पेरिकार्डियम ये कुछ पॉइंट्स था बीडीसी में जो मैंने मेंशन कर दिया. एंड सेकंड इज कॉल्ड द प्लूरा, बट दैट प्लूरा इज अ पर्टिकुलरली विच प्लूरा, दैट इज अ लेफ्ट प्लूरा ऑफ द लंग्स. बच्ची यश मास्टर ठीक है बच्चा, मतलब तेने एंटीरियर सरफेस पूरा समझ लिया. ओके बच्चा, एंटीरियर सरफेस में इतना लिखना. अब सेकंड सरफेस जो आता वो हमारे स्टमक के पीछे का सरफेस, दैट इज पोस्टीरियर सरफेस आता. मींस द पोस्टीरियर सरफेस में स्टमक के कौन से रिलेशन आते, कौन सा देखते हैं. चलो बच्चा, उसको देखने के लिए हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्टमक बेड. अब मैं पूरी डायग्राम ड्रा करूंगा, पूरी डायग्राम देख बच्ची. ओके बच्चा, सो हमें स्टमक बेड सीखना है. व्हाट इज अ स्टमक बेड, मतलब स्टमक के पोस्टीरियर सरफेस में जितने रिलेशन आते हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं स्टमक बेड में. ओके देख मैं बताता हूँ. सबसे पहले अगर स्टमक बेड को ड्रा करना है, स्टमक जिस पे विराजमान है वो कौन कौन है जिनके साथ उसने पीछे से रिलेशन बनाया, सबसे पहले देखते हैं. ओके ये क्या दिख रही है तेरे को, दिस इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हमने कोलान है, जिसे ट्रांसवर्स कोलान. ये कौन सी कोलान है मास्टर, दिस इज ट्रांसवर्स कोलान. बच्चा ही कौन सी कोलान ड्रा के लिए तू, ही है ट्रांसवर्स कोलान. आता क्या असना ना ट्रांसवर्स कोलान, ठीक है. चल बच्चा, सबसे पहले ना मैं ट्रांसवर्स कोलान था ट्रांसवर्स मीजो कोलान ड्रा करूँगे. तो मास्टर तो मीजो कोलॉन का है, अरे बड़ा मीजो कोलॉन इट इज अ पेरिटोनियम फोल्ड अटैच टू ट्रांसवर्स कोलॉन, दिस इज अ ट्रांसवर्स मीजो कोलॉन. मतलब ट्रांसवर्स कोलॉन को जो भी पेरिटोनियल का फोल्ड अटैच है, इस पेरिटोनियल फोल्ड को हम बोलते ट्रांसवर्स मीजो कोलॉन. ओ बच्चू यही शाही ट्रांसवर्स कोलॉन को पेरिटोनियम का जो फोल्ड अटैच है दैट इज ट्रांसवर्स मीजो कोलॉन. सिंपल एंड इजी. ओके ओके मास्टर कहा. अब ये एक है इतने बग इतने ट्रांसवर्स कोलॉन मुडला आणि हे डिसेंडिंग कोलॉन, इतने असेंडिंग कोलॉन इट ट्रांसवर्स कोलॉन मुडला. इतने कोण असतो, कोण प्रेझेंट असतो, ड्युओडेनम असतो ना स्टमकचा ड्युओडेनम. सो इट इज अ ड्युओडेनल फ्लेक्चर. फ्लेक्चर इट इज वर्ड, मतलब जहां पे कुछ मुड़ा हुआ हो. फ्लेक्चर दो फ्लेक्चर रहते कोलॉन में. ओके फ्लेक्चर जितना अस मुड़ल दैट इज अ फ्लेक्चर, हे फ्लेक्चर झाला समझा. दो फ्लेक्चर है यहाँ पे ड्यूओडेनल फ्लेक्चर, क्योंकि यहाँ ड्यूओडेनम आता, बताता हूँ आगे. अब देख यहाँ पे सबसे पहले ना मैं एक ड्रा करूंगा जो स्ट्रक्चर दैट रिलेटेड टू हेयर दैट इज अवर स्प्लीन. हाँ मास्टर मोटी ड्रा की है, मानते मोटी है पर इतने समझा सा मोटी है बच्चा, चाहता था ये मोटी नष्ट है बच्चू. सो दिस इज अवर स्प्लीन. ओके बच्ची यश मास्टर दिस इज अवर स्प्लीन. ओके फिर स्प्लीन के बाद हमारी स्प्लीन के साथ रिलेट होती है हमारी लेफ्ट किडनी. राइट यहाँ पे, लेफ्ट यहाँ पे. सो आई ड्राइंग दैट स्टमक फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्फेस ना, सो मैंने ऐसा देखा पीछे से, सो मुझे लेफ्ट किडनी दिखी. ओके बच्चे सो दिस इज अवर लेफ्ट किडनी. ओके बच्चे सो दिस इज लेफ्ट किडनी. यस मास्टर. अब किडनी पे क्या रहता, किडनी पे क्या रहता, अरे उसकी डोक से कौन सी तुरी ग्लैंड रहती ना. यस मास्टर सुप्रारीनल. हाँ रीनल पे ऊपर सुप्रारीनल. सो यहाँ पे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज सुप्रारीनल ग्लैंड. ये कौन सी ग्लैंड है मास्टर, सुप्रारीनल ग्लैंड. बट वॉट सुप्रारीनल ग्लैंड, दैट इज लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि ये किडनी के लेफ्ट एस्पेक्ट का है. सो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट सुप्रा लेफ्ट किडनी के ऊपर की लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, समझा इतना. ओके बच्चा अब देख, अब क्या आता ना, हम ड्रॉ करेंगे अपना स्टमक, स्टमक ड्रॉ करेंगे. चल अब स्टमक को ना मैं डॉटेड डॉटेड ड्रॉ करूंगा, फिर हमको स्ट्रक्चर्स देखने हैं ना. सबसे पहले मैं स्टमक को ड्रॉ कर देता हूँ. ओके किस से ड्रॉ करूँ, ब्लैक से ड्रॉ कर. हाँ अब देख स्टमक को मैं ड्रॉ करता हूँ.
स्टमक को हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस एज अ डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर। कैसे ड्रॉ करेंगे मास्टर? डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर। ओके मास्टर, तू जैसा मन से तैसा, हमें तो कहीं मनना रसना हो। अरे बच्चों, मैं तो कहीं मन नहीं तो मन फक्त म्हणतो की या ठिकाणी स्ट्रक्चर्स असा ड्रॉ आहे, ठीक आहे? सो हे फ्लेक्झरचं आहे तर हां बघ, या ठिकाणी स्ट्रक्चर गेलं, ओके ओके। सो दिस इज अवर स्टमक फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। पोस्टीरियर एस्पेक्ट से हमको स्टमक देखना है। सो देख, सो ये हुआ, ये ड्यूओडेनम है हमारा। सो ड्यूओडेनम, सो ड्यूओडेनम, ठीक है, ड्यूओडेनम के पास जो फ्लेक्चर आता है दैट इज कॉल्ड ड्यूओडेनल फ्लेक्चर। ओके बच्चे, सबसे पहले मैंने बताया तेरे को, ये हमने स्टमक ड्रॉ किया क्योंकि हम पीछे से स्ट्रक्चर देख रहे, ये रिलेट हो गया। अब एक स्ट्रक्चर आता, अब कौन सा स्ट्रक्चर बाकी? स्प्लीन हो गया, लेफ्ट किडनी हो गई, ये हमारा लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड हो गया। एक यहाँ पे ना स्टमक, ये तूने देखा होगा कि ये अगर ये ड्यूओडेनम है, ये ड्यूओडेनम दिख रहा है, ये स्टमक है, ये ड्यूओडेनम है। सो ड्यूओडेनम से यहाँ पे एक एक ग्लैंड रहती इस ड्यूओडेनम के, इस ड्यूओडेनम में ना ये पार्ट में, इस पार्ट में रहती। सो जो दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ पैनक्रियाज, एक पैनक्रियाज स्ट्रक्चर रह गया यहाँ पे, पैनक्रियाज प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी। सो पैनक्रियाज जो है ना वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है? सो पैनक्रियाज अरेंज लाइक दिस, ये पैनक्रियाज कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। अच्छा, मतलब मोटा नहीं होता बट इट्स समझ ले कि ये पैनक्रियाज इस तरह से, बिकॉज पैनक्रियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड रिलेटेड टू दी स्टमक, ओके? स्टमक के रिलेशन में पैनक्रियाज ग्लैंड इंपॉर्टेंट। सो ये था हमारा पैनक्रियाज, ओके? सो ये जो स्ट्रक्चर दैट ड्रॉ किया मैंने इस यहाँ पे प्रेजेंट होता दैट इज कॉल्ड एज अ पैनक्रियाज, ठीक है? अब देख, ओके अब देख कितने कितने रिलेशन आ गया स्टमक, मतलब स्टमक ऐसे विराजमान है, दैट इज स्टमक बेड ना। सो देख, ये हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए। अब और एक एस्पेक्ट आता मैं बताऊंगा, देख। लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर्स मोज कितने हैं? सबसे पहले स्टमक जिससे रिलेटेड है, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, सेकंड दैट इज द स्प्लिन, स्प्लिन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट रिलेशन पीछे, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एक आता, और एक और एक आता दैट इज स्प्लिन। देख मैंने वजह से बताया था कि ड्यूओडेनम है तो कोलोन यहाँ पे मुड़ा, दैट इज ड्यूओडेनल फ्लेक्चर। अगर स्प्लिन है तो यहाँ पे मुड़ा हुआ कोलोन को कहते स्प्लेनिक फ्लेक्चर। क्या बोलते? स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्प्लेनिक फ्लेक्चर है, ये ड्यूओडेनल फ्लेक्चर है, ओके? दो एस्पेक्ट आ गए यहाँ पे ना, यहाँ पे आ जाती तेरी एक अवोल्टा, अवोल्टा, ठीक है? अवोल्टा एब्डोमिनल अवोल्टा है, एब्डोमिनल अवोल्टाची एक ब्रांच या ठिकाने देते दैट इज सीलियाक ट्रंक, वेरी इंपॉर्टेंट। सीलियाक ट्रंक इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अवोल्टा। तुझे पता है ये जो सीलियाक ट्रंक रहती, इस सीलियाक ट्रंक की तीन मेन ब्रांचेस पड़ते, कितने? ये है सीलियाक ट्रंक, ठीक है? दिस इज सीलियाक ट्रंक। इस सीलियाक ट्रंक की तीन मेन ब्रांच पड़ती, एक पड़ती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ओके, लेफ्ट गैस्ट्रिक। सेकेंड पड़ती है कॉमन हिपैटिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी। और थर्ड ब्रांच पड़ती है स्प्लीनिक आर्टरी। कौन सी? स्प्लीनिक आर्टरी, जो जाती स्प्लीन में। इस स्प्लीनिक में स्प्लीनिक आर्टरी दो रहते, एक लेफ्ट स्प्लीनिक आर्टरी गोज इन द लेफ्ट स्प्लीन, राइट स्प्लीनिक आर्टरी गोज इन राइट स्प्लीन। सो ये जो आर्टरी रहती दैट आर्टरी गोज इन टू द स्प्लीन, हाइलम ऑफ द स्प्लीन, दिस आर्टरी गोज इन हाइलम ऑफ द स्प्लीन। मतलब इतने सारे स्ट्रक्चर्स हमारे स्टमक बेड के रिलेशन में आते। अब देख कितने कितने आ गए, हम एक मार्क करेंगे। सबसे पहले आ गया दैट इज अ ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, फर्स्ट आ गया, ओके मास्टर? ट्रांसवर्स कोलॉन लेना है तो ले, क्योंकि दैट इज रिलेटेड विद द ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। सेकंड एस्पेक्ट, सेकंड स्प्लीन आ गया, हो मास्टर? थर्ड लेफ्ट किडनी आ गई, हो मास्टर? फोर्थ लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड आ गई, हो मास्टर? स्प्लीनिक फ्रैक्चर ऑफ कोलॉन आ गया, हो मास्टर? सिक्स्थ पैनक्रियाज आ गया, हो मास्टर? ओके, सेवंथ तेरी स्प्लीनिक आर्टरी आ गई मास्टर? एट्थ स्ट्रक्चर, ओके सेवंथ हो गए, एट्थ स्ट्रक्चर आ गई, हाँ स्प्लीनिक स्प्लीनिक आर्टरी आ गई, और एट्थ स्ट्रक्चर दैट इज रिलेटेड टू इन ऑल एस्पेक्ट दैट इज अ डायफ्रागम। डायफ्रागम स्टमक बेड में नहीं आता लेकिन पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाता, समझा? सो दिस इज ऑल आर द रिलेशन। देख ये मैंने ये नोट्स में डायग्राम ड्रॉ की थी, ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टमक, सब स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की, इसमें सब स्ट्रक्चर सारे रिलेटेड है, सब स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किए हुए ऑल इन डिटेल बच्ची। सो दिस इज द स्टमक बेड, समझा तुझे कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए और कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स रिलेटेड, ऐसा ऐसा है हमारा स्टमक बेड।
ओके बच्चे, सो इतना ही था हमारे स्टमक बेड में। नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्लड सप्लाई स्टार्ट करूंगा, वहां पे मैं आपको इस सीलिया ट्रंक को डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे स्टमक के ब्रांचेस पढ़ने पड़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन ऑफ द स्टमक। होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।